है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो भूनां भूयमार्दण्डं धर्मामृतपयोधरं योगिकल्पतरुं नौमि देवदेवं वृषध्वजं। बोले ऋषभनाथ भगवान की, चोईसो भगवान की, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, हाँ समय बहुत हो गया है, 5:05 हो गए हैं, आप लोगों के अंतों का समय हो चुका है। आप सुबह से बैठे हैं, महोत्सव आज जन महोत्सव है, जन महोत्सव करके आप लोग अभिषेक किया और उस बालक को ला करके सौदर रविंद्र ने आनंद के साथ उन्होंने तांडव नृत्य किया और उन्होंने अपने जीवन को कृतकृत किया। उस दृश्य को आप लोगों ने देखा, यह बहुत एक दर्शनीय विषय था, आप लोग देख करके आप लोग संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए, ऐसे ही प्रसन्न इस प्रकार होते रहेंगे। कल है तप कल्याण का दिन, कल से विशेष रूप से अब वैराग्य की बात चलेगी, अध्यात्म की बात चलेगी, मोक्ष की बात चलेगी, किस प्रकार होते हैं। अभी तो राग की बात चली, अब वीतराग की बात करेंगे। कल से यही आत्मा राग से मुक्त किस प्रकार होता है आप लोग दृश्य देखेंगे। इसी प्रकार और आगे जाकर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यह कार्यक्रम आप लोग सानंद संपन्न करने जा रहे। अभी हम लोगों ने छोटे छोटे जो बच्चियों ने प्रतिभाशाली की, आप लोगों को भाषा के द्वारा न दे करके उन्होंने अपने इसी प्रकार चाल दिखाई, किस प्रकार संसार में इस देश में किस प्रकार प्रवृत्ति हो रही है, धर्म से विरुद्ध हो रही है, धर्म को अपना कर गए, ये धर्म में देश होती हुई भी हम अधर्म की राह पर जा रहे हैं। इसलिए यह संबोध रही है, आप लोग समझे यह बात इसे होनी नहीं चाहिए। इसीलिए आचार्य महाराज ने इन प्रतिभा स्थली को खोलने का तात्पर्य यही था, संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं, संस्कारित करने के लिए इस प्रकार के उपक्रम आचार्य ने किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि पूर्व में गुरुकुल में पढ़ते थे, आज ये गुरुकुल की पद्धति समाप्त होकर के एक आधुनिकता ये विश्वविद्यालय बन रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी की जो वृत्ति है यहाँ की धर्म को मिटाने के लिए है। आप लोगों की जो जीवन की शांति की जो जीवन लीला देखकर उनको रहा नहीं जा रहा है, वे अशांति में हैं, इसलिए आपको भी अशांति के मार में ले जाना चाहते हैं। यह उनकी क्या रही, यह उनकी चित्त की वृत्ति है, उनकी इस भावना है, लेकिन इस भावना को आप समझ नहीं रहे, लेकिन आप कालांतर समझेंगे, ये बहुत बड़ी कमी है। अभी आचार्य महाराज ने कहा, पढ़ा उन्होंने, एक धर्मपाल नाम व्यक्ति हुए, उन्होंने 10 वॉल्यूम लिखे हैं, उसमें भारत की पूर्व की इतिहास उसमें लिखा हुआ है। अभी 200 साल पूर्व की भी बात कर रहे हैं, 1800 की भी बात कर रहे हैं और पूर्व की भी बात कर रहे हैं, वे क्या लिख रहे हैं, खुद स्वयं अंग्रेजी लोगों ने लिख रखा है कि यह भारत कैसा था, अब किस प्रकार है, यह बताने के लिए आप लोग खुद उन्होंने लिखा है। कौन, धर्मपाली, किसकी आज्ञा से, गांधी जी के मार्गदर्शन पर उन्होंने लिखा, आचार्य ने स्वयं अवलोकित किया, उसके बाद यह आचार्य ने यह कदम उठाया कि यहाँ की संस्कृति मिटती जा रही है, शिक्षा बदलनी चाहिए, इसके द्वारा ही संस्कृति हमारी बनी रह सकती है। इसलिए आचार्य महाराज ने ऐसा संबोधा, जिसके फलस्वरूप कुछ बहनों ने ऐसा समर्पित जीवन किया, जिसके फलस्वरूप आज यह जीवन और पुनः धीरे धीरे उस पूर्व
की दृष्टि अपने को देखने में आएगी और कुछ दिन ऐसे चलाते रहेंगे तो वह पुनः वह भारत देश जैसा था वैसे होगा। इसलिए यह हम लोगों का कर्तव्य है यह कि हमारा जीवन इसी से बनेगा, नहीं तो हम नास्तिक की ओर जा रहे हैं। शिक्षा प्राप्त करके भी हम नास्तिक होने जा रहे हैं, नास्तिक हो रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की भाषा है, इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति है, जिसके कारण हम समझ नहीं रहे। आपने से देखा अंग्रेज को महत्व, अंग्रेज भाषा से हम लोग बोले, लेकिन उनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा से हमें क्या होना है, दूर होना है। इसलिए भाषा के साथ उस प्रकार के भाषा तो होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार नहीं, लेकिन हम उसी हिसाब से चले नहीं। उनकी जो अंग्रेजता अपने में आ रही है ये ठीक नहीं, इसलिए हमें उस अपने पूर्व संस्कृति को लाने के लिए हम अपनी भाषा को साथ साथ मातृभाषा को समझे और मातृभाषा के साथ जो भाव है वह भाव आत्मिकता को ले हुए है और अन्य जो भाषा है वो ठीक नहीं। इसलिए आचार्य महाराज की आप लोग अनन्य भक्त हो और उसी के उनके आदेश अनुसार आपने इस प्रकार चार पांच जगह प्रतिभाशाली प्रतिभा मंडलों ने इस प्रकार प्रतिभाशाली का निर्माण हुआ और उसके अनुसार लड़कियां पढ़ रही हैं और वे अपने जीवन को अपने पूर्व की जो बड़ी बड़ी जो सतियां हुई हैं वही भाव यहां पर लाएंगे और वे अपने जीवन को ऊंचा करेंगे। इतना कहकर मैं अपना वक्त समाप्त करता हूँ, टाइम बहुत हो गया, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। इसी प्रकार आप आगे दो तीन दिन में इस प्रकार कार्यक्रम आनंद के साथ संपन्न करेंगे। लग रहा था कार्यक्रम किस प्रकार होगा, लेकिन बहुत बहुत ही जब तक वह कार्यक्रम प्रारंभ नहीं होते तब तक कुछ दुविधाएं होती हैं, लेकिन जब हम प्रारंभ करते हैं तो पुण्य का उदय ऐसा आता है कि वह सहज और सानंद संपन्न होता है, क्योंकि गुरुओं का ऐसा प्रभाव है, कृपा है, उनका आशीर्वाद है, वह कभी भी किसी प्रकार की वह ये नहीं हो सकता, क्या कमी नहीं आ सकती, वह उसमें वृद्धि होती जाएगी और आनंद ही आनंद देने वाला होता है। ऐसा एक कार्यक्रम आनंद संपन्न हुआ। बोलिए ऋषभनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव सौ की सिद्धि चिंता मने चिंतित वस्तुदानी पावंद मानस मम।